कहते हैं कि अतिथि देवो भव कहती भारत की धरा, अतिथि देवो भव कहती भारत की धरा, निसदे अतिथियों का सम्मान करके निभाएंगे परंपरा। जब भी हमारे बीच में मुख्य अतिथि होते हैं तो उनका सम्मान करना हमारे लिए सबसे ज्यादा अग्रणी माना जाता है। इसी कड़ी में मैं माननीय मुख्य अतिथि का संयोग लिए आ गया। हमारे तीनों ही सम्मानित अतिथियों के लिए सबसे पहले जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए आप सभी की। ये थोड़ी सी तालियों में कमी नजर आ रही है, मतलब आगरा में थोड़ी सी जोश की कमी है क्या? थोड़ी तालियां दमदार होनी चाहिए तभी हम शुरू कर सकते हैं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। फिर से थोड़ा ठंडा लग रहा है मते जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा माहौल हल्का लग रहा है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। हाँ अब लग रहा है कुछ है। सो मैं अब बारी बारी से उन सारे शिक्षकों को आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने अपने स्वयं को आगे बढ़ाया, अपने समाज को आगे ले गए अपने अपने क्षेत्र में, और आज उन्हें अचीवर्स अवार्ड 2023 के से नवाजा जा रहा है। इसी कड़ी में मैं अब सबसे पहला नाम बुलाना चाहूंगा, मैं जोरदार वाली तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर आसू रानी वाइस चांसलर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जोरदार वाली तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। प्रोफेसर आसू रानी वाइस चांसलर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कोटा विश्वविद्यालय की रसायन विज्ञान के प्रोफेसर, प्रोफेसर आसू रानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की पहली महिला स्थायी कुलपति है। प्रोफेसर आसू रानी की मां वैगुंठी देवी कन्या महाविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर रही। उनका पैतृक निवास दयालबाग में ही है। प्रोफेसर रानी के पास 25 साल का शिक्षण का अनुभव है। कई देशों में उन्हें भारत को रिप्रेजेंट किया और बड़े क्लाइमेट रिसर्च को पूरा किया। कोटा विश्वविद्यालय में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी है। प्रोफेसर रानी अम्बेडकर विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं को तकनीकी मदद से दूर करी है। कांग्रेचुलेशन मैम, जोरदार वाली तालियां हो जाए मैम के लिए। Now, the next award goes to Director of Future Kid Play School. मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर सुधा रानी मैम, जोरदार वाली तालियां हो जाए मैम के लिए। शहर के प्रतिष्ठित फ्यूचर किड्स प्ले स्कूल की संस्थापक डायरेक्टर डॉक्टर सुधा रानी आगरा समेत विभिन्न जनपदों में 6 प्ले स्कूल का संचालन कर रही है। इसके साथ ही साथ उन्हें अब तक कई प्रतिष्ठित सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। साइंस में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने के बाद विभिन्न कृषि क्षेत्रों में काम करते हुए आपने एक लंबे समय तक समाज की सेवा की। मथुरा में प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर सुधा रानी की आगरा की सक्रिय राजनीति में भागीदारी, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए दैनिक जागरण एनेक्स आपको अचीवर अवार्ड से सम्मानित कर रहा है। कांग्रेचुलेशन। अब हमारे अगले अवार्ड की तरफ आई वुड लाइक टू इनवाइट हमारे बीच में निशांत सिंह जागरण के बिहार पर मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा विशाल कुमार सिंह, फाउंडर ऑफ कृष्णा फूड विदी केक्स एंड बोर्ड, जोरदार वाली ताले हो जाए निशांत के बिहार पर हमारे साथ है। अगर बात करें कि 10 वर्षों से ऑटोमोबाइल सेक्टर में उच्च पदों पर सेवा देने के बाद निशान सिंह जाधव ने फूड एंटरप्रेन्योर के रूप में अपनी पहचान बनानी शुरू करी। वेस्ट यूपी के विभिन्न जिलों में एनसीआर में उनके 10 आउटलेट हैं। विनी केक्स एंड बोर्ड के नाम से आगरा में उनके 2 आउटलेट हैं। कारोबार के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दैनिक जागरण इंडेक्स आपको अचीवर अवार्ड से सम्मानित कर रहा है। कांग्रेचुलेशन सर। नाउ अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे अगले अवार्डीज को, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर नमन गोयल जी, पार्टनर ऑफ बेस्ट जी मार्ट, मैं जोरदार वाली तालियों के साथ सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। सर भी सबसे पहले और पूरे समय के साथ आए थे तो मैं उनके लिए जोरदार वाली तालियां चाहूंगा पूरा, क्योंकि समय आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेचुलेशन फॉर अचीवर अवार्ड।
कहते हैं कि आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरत वस्तुएं और गुणवत्ता मूल्य के साथ साथ उचित रेट पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा है नमन जी ने। इसी उद्देश्य के साथ श्री नमन गोयल ने शहर में रिटेल कारोबार की चेन शुरू करी। उन्होंने फर्स्ट क्राई बिग ब्रांड्स मॉल के बाद हाल ही में बेस्ट डील मार्ट की शुरुआत करी। इसके साथ ही साथ नमन गोयल समाज सेवा के रूप में भी सक्रिय है। समाज और कारोबार के क्षेत्र में उन्हें इस योगदान के लिए दैनिक जागरण आईनेक्स उन्हें अचीवर अवार्ड से सम्मानित कर रहा है और खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कांग्रेचुलेशन सर फॉर अचीवर अवार्ड 2023। प्रथम एंटरप्राइजेस के ऑनर एवं युवा कारोबारी श्री हेमंत अग्रवाल ने समाज सेवी के तौर पर शहर में अपनी पहचान बनाई और शहर के कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के लाइफ टाइम मेंबर भी हैं। स्पोर्ट्स में खास रुचि होने के चलते विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कराते हैं। लोगों की जान बचाने के लिए वह रक्तदान की मुहिम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जोरदार वाली तालियां हो जाए के लिए। कांग्रेचुलेशन फॉर अचीवर अवार्ड 2023। Now I would like to invite Mr. Rajiv Nagrani के साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा Mr. अनूप नागरानी जी, डायरेक्टर ऑफ उषा स्केल्स एसोसिएट। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर राजीव नागरानी एंड अनूप नागरानी। जोरदार वाली तालियां हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग स्केल की प्रमुख निर्माण उषा स्केल एसोसिएट के ओनर श्री राजीव नागरानी एवं श्री अनूप नागरानी कारोबारी क्षेत्र में जाना पहचान। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में संस्कृति यूनिवर्सिटी के चांसलर आदरणीय डॉक्टर सचिन गुप्ता जी हैं। मैं चाहूंगा एक मोमेंटो के माध्यम से उन्हें सम्मानित करें। मैं पूरा जोरदार बनी तालियां हो जाए संस्कृति यूनिवर्सिटी के लिए अभी। थैंक यू सो मच सचिन सर फॉर बीइंग विद अस और हम आशा करते हैं कि यूं ही आपका साथ हमारे साथ बना रहेगा। हम जिस प्रमाइसेस में बैठे हैं ये प्यारा सा प्रमाइसेस जिसमें हम पहले भी कई सारी अवार्ड सेरेमनी कर चुके हैं। हमारा वेन्यू पार्टनर होटल भावना क्लार्क इन से मैं सम्मान के साथ आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। एक बार जोरदार बड़ी तालियां हो जाए भावना क्लार्क इन के लिए। मैं हमारे विशिष्ट अतिथि से चाहूँगा कि एक मोमेंटो के माध्यम से हम उन्हें भी सम्मानित करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं आप रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे सारे सम्मानित अतिथि से कि आप अपना महत्वपूर्ण से थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड। पूरा जोरदार वाली तालियां हो जाए माननीय मंत्री जी के साथ। मैं सचिन जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो भी हमारे साथ आए इस मौके पर। पूरा जोरदार वाली तालियां हो जाए निसंदेह। जब भी सर इस मोमेंटो को अपने ऑफिस में लगाएंगे इस कार्यक्रम की यादें उनके मन में हमेशा ताजा रहेंगी। थैंक यू सो मच शशि सर। अब मैं जोरदार वाली तालियों को सर को पोडियम पे आमंत्रित करना चाहूंगा। पूरा जोरदार वाली तालियां हो जाए माननीय मंत्री जी। इस हॉल में उपस्थित इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि निर्मला जी दीक्षित, डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया उपस्थित, मेरे पुराने मित्र महेश जी, संस्कृति विश्वविद्यालय के सचिव जी, हमारे चौधरी साहब एसपीसी जी और छोटा भाई भी है और मित्र भी है ऐसा किशन चौबे, सभी को मैं जानता हूँ। हमारा कार्यकर्ता रवि नारंग, उपस्थित सभी बंधुओं, मातृशक्ति,
एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम मैंने इसलिए इसको कहा क्योंकि इसमें आगरा के चुने हुए कुछ हीरे आई नेक्स्ट ने एकत्रित किए और इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी कार्यक्रम कौन कर रहा है और किस लिए कर रहा है। आई नेक्स्ट एक अखबार है और लोकतंत्र के चार पहलियों में से एक मीडिया भी होता है और उसमें प्रिंट मीडिया की एक अहम भूमिका है। जहां एक ओर तो लोकतंत्र को सजग और सशक्त बनाने के लिए अपनी भूमिका अदा करता है तो वही समाज में जो कोई कुछ कृतित्व है जिनके जिनके व्यक्तित्व है उनको भी समाज के सामने लाने की चेष्टा करता है जिसका एक उदाहरण है ये कार्यक्रम। अब किन लोगों को सम्मानित किया गया अगर गहराई से देखें तो दोनों ही एक मिशन है जो यहां पर बैठे हुए हैं चाहे वो शिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो या खाद्य सामग्री से जुड़े हुए लोग या आयोजक मीडिया के बंधु हैं। तो मीडिया भी एक मिशन है एजुकेशन भी मिशन है मेडिकल भी मिशन है और मानवता से सीधा जुड़ा हुआ खाद्य सामग्री वाला कोई भी कार्यक्रम हो वह भी मिशन होना चाहिए। मिशन होना चाहिए बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात मैं बोल गया हूं ये आप सब समझ रहे हैं बुद्धिजीवी हैं। तो मित्रों इस भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद पुनः माननीय मंत्री जी। और अब ज्यादा इंतजार न करते हुए हम लोग कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव की तरफ आगे ले जा रहे थे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आदरणीय श्री जी के उपाध्याय जी दैनिक जागरण मार्केटिंग हेड कि वो आए वोट ऑफ थैंक्स के लिए। मैं जोरदार वाली तालियों के साथ आमंत्रित